विधानसभा तीन में इन दिनों लगातार विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, जहां एक बार फिर से 22 सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अलग अलग सामग्री का वितरण किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमएलए आकाश विजयवर्गीय के साथ विधानसभा तीन को यह सौगात दी है। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा तीन को एक बार फिर मिली सौगात। सीएम शिवराज ने लगाया सौगातों का ढेर। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों को वितरित की सामग्री। एमएलए आकाश विजयवर्गीय के प्रयासों से मिली सौगात। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमएलए आकाश विजयवर्गीय के साथ विधानसभा तीन को विभिन्न सौगातें देते हुए 22 सरकारी स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए 110 कंप्यूटर्स, 110 यूपीएस, 22 एलसीडी प्रोजेक्टर, 22 प्रिंटर एवं 110 फर्नीचर सेट, 60 ट्रम्पोलियन जम्पर का वितरण किया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से विधानसभा तीन को मिली इस सौगात कार्यक्रम के दौरान सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदुला, महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, कैबिनेट मंत्री सावंत सोनकर, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा भी मौजूद रहे। अब प्राइवेट स्कूलों में अच्छी सुविधाएं होती है, अच्छी सुविधाएं होती है तो कई बार हम सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे रह जाते, लेकिन अब हमारा संकल्प है कि सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट से अच्छा बना के दिखाएंगे। इससे सीएम राइज स्कूल जैसे अहिल्या आश्रम की बात आकाश कर रहे थे, अच्छी से अच्छी सुविधाएं। अब स्विमिंग पूल का आप जिक्र कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में अगर स्विमिंग पूल में बच्चे कूद के तैरे तो सरकारी में भी तैरेंगे, उसमें क्या दिक्कत, खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे सब स्कूलों को वैसे ही बनाएंगे। लेकिन आज तो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर सुविधाएं देने का, कंप्यूटर प्रिंटर अलग अलग और साथ में उपयोग की जो चीजें दी है आकाश जी ने, वो सचमुच में बहुत अभिनंदनीय है। और मेरा सभी संबंधित अधिकारियों से और विद्यालय परिवार से भी आग्रह कि इनका बेहतर उपयोग तत्काल सुनिश्चित करें, ऐसा ना हो कि कंप्यूटर जाए और फिर वो वहां रखे ही रहे, इनका उपयोग सुनिश्चित करना ताकि हमारे बच्चे स्मार्ट क्लास के तौर पर जहां से चाहें अच्छे से अच्छे शिक्षक भी उनको पढ़ा सके। विधानसभा तीन को मिली सौगात को लेकर एमएलए आकाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, हम लोग विधानसभा के सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बने, स्मार्ट क्लास बने, इसके लिए 5 कंप्यूटर, यूपीएस सिस्टम, उसका पूरा फर्नीचर, प्रिंटर, ये सेटअप दे रहे हैं। उसके अलावा एलसीडी प्रोजेक्टर जो स्मार्ट क्लास में आवश्यक रहता है वो सभी स्कूलों को दे रहे हैं। टोटल जो मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं 56, वो 22 अलग अलग प्रांगणों में हैं, तो 22 सेटअप अभी हम लोग दे रहे हैं। और प्राइमरी स्कूलों में भी हम लोग पहले टीचर्स की व्यवस्था करेंगे और उन्हें भी जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग सभी आंगनवाड़ियों को, जैसे हमारा पहले का कमिटमेंट था, ये जन सहयोग से सभी आंगनवाड़ियों को ट्रैम्पोलिन दे रहे हैं। जो कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास का सेटअप है ये हम विधायक निधि से दे रहे हैं, और ये ट्रैम्पोलिन जो हम दे रहे हैं वो जन सहयोग से दे रहे हैं। और तीसरा जो हम एक काम इसमें ये भी कर रहे हैं कि जो भी शहर के अनाथ आश्रम हैं उन्हें भी हम लोग ट्रैम्पोलिन जंपर्स दे रहे हैं, और भविष्य में यदि इन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो कंप्यूटर्स भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए भी हम लोग संकल्पबद्ध हैं। तो सभी स्कूलों में ये करने के अलावा लगभग 5 स्कूल ऐसे हैं जिसमें हम लोग 2.5 से 3 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, उनका डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हमारा जो उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे बने, सभी में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेज हों, प्लेग्राउंड अच्छे उनके बने ताकि बच्चों को खेलों की भी सुविधा हो। और इसी के साथ में 3 सीएम राइज के स्कूल तो हमारे यहाँ आ ही रहे हैं,
तो शिक्षा अच्छी मिले ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनका भविष्य उज्जवल हो सके, साथ ही साथ में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन पे जो मोटी फीस का बर्डन आता है वो बर्डन ना आए, तो इस सोच के साथ हम लोग ये इस दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए हम लोग उन्हीं के माध्यम से आज ये वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा तीन में इन दिनों लगातार विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, जहां एक बार फिर 22 सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अलग अलग सामग्री का वितरण किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमएलए आकाश विजयवर्गीय के साथ विधानसभा तीन को यह सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।